यस, गुड मॉर्निंग। बस ओके, आपने मुझे काम भेज दिया है, वो मैं चेक कर लूंगा। सर। जी शुएब, कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर, अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने जो है टेंसेज हमारे जो हैं मुकम्मल हो गए। आपका काम वो चेक कर लूँगा, भेजा आपने दोनों ने, ठीक है? वो मैं इसको चेक कर लूँगा अगर केयरफुली। यस तो टेंसेज हमारे हो गए कंप्लीट। यस तो आज हमारा जो मामला आगे है वो है नेगेटिव सेंटेंसेस का, मनफी जुमले। ये भी लैंग्वेज का हिस्सा है। तो लैंग्वेज हो गया, जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं तो आज शुरू करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। सर, आज लास्ट सर वो जो क्या लास्ट सेंटेंस था वो इंग्लिश में हो गया था सर? हो नहीं गया हुआ था? सर, कौन सा, इंग्लिश में करना था सर, किसको? लास्ट फ्यूचर इंग्लिश में हो रहा था, परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, वो भी रहता है अभी। अच्छा, कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। वक्त मैं काफी काफी देता हूँ ना, मैं तो देर में रहता नहीं है। वो इंग्लिश में रहता है अभी, और उसके उसकी एग्जाम्पल भी रहती है अभी। ठीक और इसकी है, उसकी एग्जांपल्स भी। ठीक है। वो आपने उर्दू में ले लिया था उससे, या भेजा था यस आपने उसको? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यस सर, टेंस जवाब ने शुभ आपको भेज दिया था ना, ठीक काम है यस सर, आपकी। मैंने लिखा है वो। वो काम मैं चेक कर लूँगा, ठीक है। चले उसको पहले मैं रिवाइज कर दूँ आपको। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उर्दू में, फिर इसको इंग्लिश में मैं रुकाता हूँ, फिर इसको समझाना भी अभी आपको, फिर इसकी एग्जाम्पल से। एक आखिरी टेंस एक ही रहेगा आपका, 11 आपके हो गए हैं। यस चले, ये मैंने आपको लिखवाया था उर्दू में कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जमाना फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। इस जमाना में किसी काम का आने वाले वक्त में तवील मुद्दत या वक्त से जारी करने के बारे में सोचा जाता है। वर्ब की चौथी हाल शक्ल का इस्तेमाल होता है। तमाम प्रोनाउन दसबैर के साथ, प्रोनाउन दसबैर यानी ही शी टू दे यू के साथ विल हैव बीन का इस्तेमाल तौर मदारी फेल होता है। प्रोनाउन दसबैर यानी आई और वी के साथ शैल हैव बीन का इस्तेमाल तौर मदारी फेल होता है। मखसूस मुद्दे के लिए या खास मुद्दत के लिए फार का इस्तेमाल होता है, जबकि मखसूस या खास वक्त के लिए सिंस का इस्तेमाल होता है। फार और सिंस का मतलब से है। इस टेंस की पहचान के लिए जुमला के आखिर में रहता होगा, रहती होगी, रहते होंगे, या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह का इस्तेमाल जरूरत के मुताबिक होता है। ये लिखवाया था मैंने आपको, ओके? यस सर, यही लिखा। अब इसको इंग्लिश में आप लिखें। लेट यू स्टार्ट, राइट इन इंग्लिश नाउ। लेट यू स्टार्ट, आई हैव टू स्पीक यस सर, नाउ। बोले। इफ वी थिंक टू स्टार्ट एनी वर्क, इफ वी थिंक टू स्टार्ट एनी वर्क एनी वर्क फ्रॉम फ्रॉम स्पेसिफिक टाइम सर, और पीरियड इन कमिंग टाइम, फ्रॉम इफ स्पेसिफिक टाइम, वी थिंक टू स्टार्ट एनी वर्क फ्रॉम स्पेसिफिक पीरियड और टाइम इन कमिंग टाइम, स्पेसिफिक पीरियड पीरियड, टाइम। स्पेसिफिक पीरियड और टाइम सर, स्पेसिफिक पीरियड और टाइम, और टाइम अगेन सर, देन इट इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं रिपीट करता हूं इसको, आई हैव रिपीट इट नाउ। सर, इफ वी थिंक टू स्टार्ट एनी वर्क फ्रॉम स्पेसिफिक पीरियड और टाइम इन कमिंग टाइम, देन इट इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फुल स्टॉप। लिख लिया सर। वी यूज फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इन दिस टेंस। वी यूज फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इन दिस टेंस सर, आगे बोले। वी यूज विल हैव बीन।
as a helping verb. We use will have been as a helping verb with pronouns or subjects. He, she, it, and they, you. Helping verb. We use will have been as a helping verb with pronouns or subjects. He, she, it, and they, you. Clear, sir. Now, first up, we use shall have been as a helping verb. We use shall have been as a helping verb with pronoun, with pronouns or subjects. I and we. We use shall have been as a helping verb with pronouns or subjects. I and we. I or we. Yes, sir. Clear. We use for as a specific period. We use for as a specific period. And we use since as a specific time. We use for as a specific period. And we use since as a specific time. Specific time. Likely, yes, sir. इसको मैं रिपीट करता हूँ शुरू से कोई अगर आपसे मिस्टेक हुई है देन यू हैव टू करेक्ट इट नाउ लेट आई स्टार्ट अगेन इफ वी थिंक टू स्टार्ट एनी वर्क फ्रॉम स्पेसिफिक पीरियड और टाइम इन कमिंग टाइम देन इट इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वी यूज फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इन दिस टेंस वी यूज विल हैव बीन एज हेल्पिंग वर्ब विद प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्ट्स ही शी एंड दे यू वी यूज शैल हैव बीन एज हेल्पिंग वर्ब विद प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्ट्स आई एंड वी वी यूज फॉर एज अ स्पेसिफिक पीरियड एंड वी यूज सिंस एज अ स्पेसिफिक टाइम ओके Yes, टेंस है क्या फ्यूचर का मतलब है मुस्तकबिल आने वाला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या मतलब है फेल मुस्तकबिल परफेक्ट का मतलब मुकम्मल है कंटिन्यू जारी है टेंस जमाना जमाना फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी यानी कि आपने आने वाले वक्त में किसी काम को मखसूस मुद्दे वक्त से जारी करने के बारे में सोचना है और सोचते हुए भी आप काम शुरू करके आगे निकल जाते हैं आप सोचों में जैसे कि yes, sir. आपके अगर पेपर्स जो है यकम पे शुरू होने हैं फर्ज करें यकम जनवरी से तो yes. आप किसी को ये कहेंगे कि हमारे पेपर जो है वो जनवरी में हो रहे होंगे जनवरी से हो रहे होंगे yes. यानी कि आपने जिक्र कर दिया पूरा जनवरी महीने का जिक्र कर दिया आपने यानी कि सोचो में भी आप बाकी काम शुरू भी जारी भी हो शुरू भी हो गया जारी भी हो गया लेकिन सोचो में अमली तौर पर तो कुछ नहीं हुआ लेकिन सोचो में काम करते हुए बहुत आगे निकल गया आप जारी कर दिया काम आपने ठीक है यही आपका है लेकिन किसी मौसूम मुद्दत या वक्त से काम शुरू होते हैं ये ज़हन याद रखिएगा आने वाले वक्त में यस सर फिर क्योंकि मैंने कहा था कंटिन्यूस जिस टेंस में कंटिन्यूस आ जाएगा उसमें लाजमी तो वर्ब की चौथी फॉर्म का इस्तेमाल है इसमें कंटिन्यूस आ गया है आखिरी टेंस है आपका कंटिन्यूस का यस सर और इसके बाद विल हैव बीन के इस्तेमाल है बतौर मज़ादी फेल प्रोनाउन ही शी टू दे यू के साथ है और प्रोनाउन आई और वी के साथ शैल हैव बीन के इस्तेमाल बतौर मज़ादी फेल है अब आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपने विल हैव और शैल हैव के इस्तेमाल किया सिर्फ आपने यहाँ पे बीन का इजाफा कर देना है बी डबल ई एन इस टेंस में ठीक है हेल्पिंग वर्ब मीनिंग के आपका विल हैव और शैल हैव जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैं वही साथ साथ में सिर्फ बीन का इजाफा कर देना तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप आ जाते हैं ये चीज़ें तो समझने वाली होती हैं ये बड़ी आसानी से बट टेक्निक होती है ज़रा अल्फाज को आगे पीछे भी करना होता है टेक्निक से अकल से तो काफ़ी हद तक आसानी हो जाती है फिर इसके बाद मखसूस मुद्दे के लिए फार का इस्तेमाल है मखसूस वक्त के सिंस का इस्तेमाल है फार या सिंस का मतलब से है पहचान के जुमला के आखिर में रहता होगा रहती होगी रहते होंगे
या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह का इस्तेमाल जरूरत के मुताबिक होता है। जुमले अक्सर बोलते रहते हैं कि तुम जो है 2025 में कराची जा रहे होगे, तुम 2025 में नौकरी कर रहे होगे, ठीक है ना, जुमले अक्सर बोलते रहते हैं हम। सोचो में हम पहुंचे होते हैं वहां पे और हमने तो कुछ भी नहीं होता, वो जो टाइम आएगा तो हमसे तो होगा, उसको अदला जानता है क्या होगा, लेकिन यह है कि ज्यादा हम इस सेंस में रहते हैं हम कि हम जो है शादी में शिरकत कर रहे होंगे, शादी हो रही होगी वगैरह, ये बातें अक्सर हम जो है, या हम मैच खेल रहे होंगे, हम मैच जीत रहे होंगे, ये मतलब अक्सर हम ये बातें करते हैं। बहरहाल इसमें कोई आपको बात समझ आ रही हो तो आप, कोई बात समझ नहीं आई तो मुझे पूछ लें आप, अगर समझ आ गई तो ठीक है। एग्जांपल लिखवा दें सर, एग्जांपल शुरू करते हैं, फिर बेल से इसका लिखें, फार्मूला लिखें, फार्मूला लिखवा दिया मैंने आपको, वो भी लिखना है ना, फार्मूला लिखवा दें, फार्मूला लिखें आप, सब्जेक्ट ऑब्लिक प्रोनाउन प्लस रिमाइंड लिख लें आप, लिख लेंगे आप सब्जेक्ट ऑब्लिक प्रोनाउन, सब्जेक्ट सब्जेक्ट स्लैश प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब सब्जेक्ट ऑब्लिक सब्जेक्ट स्लैश प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले फॉर सर सिंस और फॉर ना लगाएंगे, सब्जेक्ट ऑब्लिक प्रोनाउन, मैं फिर बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट ऑब्लिक प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस पीरियड ऑब्लिक टाइम, हो गया। अच्छा इसकी शुरू करें, एग्जांपल शुरू करें इसकी, आज टेंस को हम खत्म करेंगे, क्या कल नेगेटिव सेंटेंस शुरू करेंगे इंशाल्लाह, वो एक क्लास होनी है आपकी कल, एक परसों इंटरोगेटिव इंशाल्लाह होंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अच्छा जी शुरू करें, एग्जांपल्स लिख लेंगे जबानी, आपको इशू नहीं है। ही विल हैव बीन गोइंग टू ऑफिस, ही विल हैव बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस 2021, वो 2021 से दफ्तर जा रहा होगा, जाता रहता होगा। He will be going to office since 2021. Yes, sir, लिख लिया। Second, she will have been 2021. जी, she will have been doing job in the office. She will have been doing job in the office since Monday. दिन के लिए भी खास दिन के लिए आप, ये वक्त ही होता है तो सिंस लगाते हैं उसके साथ, सिंस मंडे, लिख लिया। वो मंडे से सोमवार से दफ्तर जो है मैं नौकरी कर रही होगी। नेक्स्ट, इट विल हैव बीन रेनिंग फॉर वन वीक, एक हफ्ता से बारिश हो रही होगी। इट विल हैव बीन रेनिंग फॉर वन वीक, लिख लिया सर। इट विल हैव बीन रेनिंग फॉर वन वीक, नंबर फोर बोले सर। फर्दर, दे विल हैव बीन प्लेइंग द मैच, दे विल हैव बीन प्लेइंग द मैच फॉर थ्री मंथ्स, दे विल हैव बीन प्लेइंग द मैच फॉर थ्री मंथ्स। प्लेइंग द मैच, दे विल हैव बीन प्लेइंग द मैच फॉर थ्री मंथ्स, डिनर, यू विल हैव बीन टेकिंग द डिनर, डिनर यू विल हैव बीन टेकिंग द डिनर, ओके सर, ये लिखें आप, सिंस
सिंस 8 PM ओके सर आगे लिखें नंबर सिक्स आई शैल हैव बीन शॉपिंग फॉर 1 hour सर आगे लिखें वी शैल हैव बीन वॉचिंग द टीवी वी शैल हैव बीन वॉचिंग द टीवी since morning लिख लिया सर नंबर 8 जी आगे लिखें he will have been drinking water for half an hour आधा घंटे से पानी पी रहा होगा ओके सर he will have been आवर के स्पेलिंग सर एच ए वी आर आवर मैंने कब बोला हाफ आवर हाँ हाँ आवर आवर बोला अली मद्दा एच ओ यू आर एच ओ यू आर एच इतने बोलते नहीं है आवर आवर नहीं बोला मैंने आवर बोला आवर अली मद्दा वाओ रे घंटा आधा घंटा हाफ एन आवर आधा घंटा चलें जी आगे लिखें she will have been doing homework since evening वो शाम से घर का काम कर रही होगी she will have been doing homework since evening आगे लिखें क्वेश्चन बंद क्या करें आगे है नेक्स्ट they will have been reading a book for one day okay you will have been listening to music Listening to spelling. Listening listening. listening. You will have been listening to music. Okay. Since 5 PM. Okay. Yes, sir. I shall have been traveling since night. Traveling आगे sir? Since night. Next. We shall have been talking for two hours. हम दो घंटे से बातें कर रहे होंगे गुफ्तगू कर रहे होंगे We shall have been talking for two hours. लिख लिया सर. TWO, 2 hours. Yes sir. कितनी होगी एग्जांपल आपकी? 15. कितनी होगी यहाँ? 14 सर. 20 बाकी होमवर्क करेंगे आप इसको से आप इसको अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर लेंगे चलिए आगे चलते हैं आगे है he will be walking in the ground since Friday
चले आगे लिख लिया सर। आगे लिखें she will have been reading the newspaper. She will have been reading the newspaper. Okay, sir. जी for 3 hours. Again, next. They will have been taking the medicine. They will have been taking the medicine for many days. वो कई दिनों से दवा ले रहे होंगे. Again, next, you will have been winning the match. पार आगे क्या है? You will have been winning the match. आगे सर. Since 2022, 2022, आप 2022 से मैच जीत रहे होंगे. Yes, sir. Yes. आगे है. लिख लिया सर. I shall have been making the notes since afternoon. लिख लिया सर. आगे है. We shall have been going to university for some days. Yes, sir. 20 हो गई है. दिनों से जामिया जा रहे होंगे, जाते रहते होंगे. ये हो गई 20 हो गई एग्जाम्पल आपकी. Yes, sir. अब आपने होमवर्क पता ही किस तरह करना है आपने, पता ही आपको. Yes, sir. बताने की जरूरत नहीं है. जितनी एग्जाम्पल बना ले आप, आपकी वो आप पे डिपेंड करता है. कितनी मैंने ध्यान में जितनी मैंने कर लेंगे अपने लिए करेंगे, आप ही का फायदा है. तो मुझे भेज दीजिएगा एज यूजुअल, जैसा आप होमवर्क मुझे भेजते हैं आप. चलें जी, आज नेक्स्ट हमारा जो फेज है वो है वोकैबुलरी का है एज यूजुअल. यकम से आपने, आपको पता है ना, मैसेज देना आपको यकम से आप एकेडमी आएंगे. ठीक है, यकम से. यस सर. अभी सुनिए सर जी, 24 सुनिए. नहीं 24 से नहीं है वो, अभी मामला थोड़ा है. इसे मैं कह रहा हूं आपको कंफर्म, मैं आपको बता दूंगा ना, तो कंफर्म आपको बता दूं. यकम से इंशाल्लाह आपने आए, यकम जनवरी जुमा को आपने आ जाना एकेडमी. ऑफलाइन क्लास होगी आपकी, ये टाइम आपका क्लास यही होगा. ठीक है, टाइम आपका यही हो गया 10 से 11. ओके, यूनिस अगर वो पूछे आपसे तो उनको भी कह देना भी ये टाइम है ना, यही है. जो कि मैंने से 10 से 11 हो जाएगा सर, यही टाइम होगा. हाँ, टाइम यही होगा जी, क्लास का जी. ओके सर. कोई इशू तो, मसला तो नहीं है ना, कोई इशू तो नहीं है ना? मसला 9 से 10 रहता है. ठीक है सर, 9 से 10. अगर आपने उसी टाइम पे उसी पे आ जाए. पहले टाइम क्या था आपका, 8 से 9 था? यस सर, 9 से 10 कर ले सर. 9 से 10 यही टाइम थी. 9 से 10 कर ले. ठीक है, 9 से 10 कर लेते हैं. ठीक है, यस सर. इसमें आप, इसमें वो नया बैच बना लेंगे हम. ठीक है ना, इस टाइम पे फिर हम ना ये 9 से 10 नया बैच बना लेंगे. आप ये 10 से 11 में, 9 से 10 आप आ जाएं, वो टाइम ठीक है आपका. ओके ठीक है सर. मैं बता दूंगा यकम से ना सर. हाँ, मैं अपने ऑफिस में बता, एडमिन में बता दूंगा. 9 से 10 जो टाइम जगह जनवरी से आपका क्लास में, आपने एकेडमी आना है आपने.
जी ठीक है सर, ठीक है। ओके तो आप शुरू करें, वोकैबुलरी के आ जाएं, वोकैबुलरी की तरफ आ जाएं। वो वाला क्या हो गया था? एज यूजुअल हो गया था, एज यूजुअल। नो सर, लिख लें आप हस्बे मामूल, एज यूजुअल, हस्बे मामूल, एज यूजुअल लिख लिए सर, यूजुअल। आपके नेम ऑफ फ्रूट्स हो गए थे आपके? यस सर, हुए हैं सर। फ्रूट्स नेम भी हो गए, ड्राई फ्रूट भी हो गए, वेजिटेबल्स भी हो गई है ना? ड्राई फ्रूट रहते हैं सर थोड़े कुछ। कौन सा रह गया? ड्राई फ्रूट रहते होंगे सर, ड्राई फ्रूट का ड्राई फ्रूट है? हाँ वो तो कुछ ही होते हैं। चलो वो वॉश करें आप। ड्राई फ्रूट है कुछ मेवाजात, ड्राई फ्रूट, फ्रूट तो फ्रूट होता है, ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट कुछ मेवाजात। ड्राई फ्रूट खुश मेवा जात। ओके इसमें है पीनट, मूंगफली, पीनट, इसका सीजन भी चल रहा है आजकल। पीनट है, मूंगफली लिख लिया सर, ये लिख लिया, मूंगफली लिख लिया था सर। यस सर, बट ठीक है, ड्राई फ्रूट ही होते ना, और क्या वो लिखे था? आलमंड लिखे था, आलमंड। यस सर, बादाम भी लिख लिया था, वो ड्राई फ्रूट ही थे ना। ठीक है सर, एप्रिकॉट हो गया तो खुबानी। यस सर, हो गया सर, वही मैं पूछा था, हो गए, ये होगा नहीं हुआ। चलें आगे, मैं आपको पार्ट्स ऑफ बॉडी हो गए थे, नहीं हुए थे? नहीं, पार्ट ऑफ बॉडी वो क्यों करते हैं आज? हैं यस सर, ये बहुत जरूरी है, अक्सर चीजें अक्सर हम लैंग्वेज में यूज होती हैं। सबसे पहले जी हेयर, बाल, हेयर, एच ए आई आर। यस सर, हेयर है बाल, हेड है सर, स्किन है खाल या जिल्द, स्किन, खाल या जिल्द, स्किन, और ये जो है ईयर है कान, ईयर, ई ए आर, कान। नेक है गर्दन, एन ई सी के, नेक है गर्दन, नेक, एन ई सी के, नेक। यस सर, लिख लिया। छह वर्ड हो गए, सिक्स हो गए। यस सर, सिक्स हो गए। अब आपके लिए गला है, गला ये सामने जो है आपका थ्रॉट, टी एच आर ओ ए टी, थ्रॉट है गला, थ्रॉट गला। और आपके जो ये कंधे हैं, ये है शोल्डर, ये कंधा जो है शोल्डर, कंधा, साथ ऐसे लिखा देंगे शोल्डर जमा हो जाएगा प्लूरल, कंधे, शोल्डर, कंधा। यस जी। इसके बाद जो सीना आपका है, हमारा सीना है, ये चेस्ट है, सीना या छाती, चेस्ट। चेस्ट। और हमारा जो पेट है वो है बैली, बी ई, लोग जो स्टमक कहते हैं वो मैदा होता है, बैली है पेट। जो हमारा बैली के स्पेलिंग बोले सर, बैली, बी ई डबल एल वाई, बी ई डबल एल वाई, बैली। ठीक है सर जी। इसके बाद, इसके बाद जो है हमारे बाजू है आर्म, आर्म है बाजू, आर्म। और हमारी जो कलाई है, स्पेलिंग,
ये जो कलाई होती है हाथ की, हाथ से पहले जो कलाई है इसे कहते हैं रिस्ट, कहते हैं रिस्ट, WRIST, W लिखते हैं बोलते नहीं है, WRIST कलाई, WRIST रिस्ट कलाई। ओके सर, 12 हो गए। यस सर, 3 रह गए आप, बाकी कल कर लेंगे, कल या परसों बार कल पार्ट पार्टी कंप्लीट हो जाएंगे हमारे इंशाल्लाह। अच्छा, ये जी हमारे नेक्स्ट हम आते हैं, वो है हमारी उंगलियां जो होती हैं, फिंगर, फिंगर्स हैं उंगलियां। उंगलियां और थंब कहते हैं अंगूठा, जो हाथ में अंगूठा है ऐसे थंब कहते हैं, बी इसमें साइलेंट है, थंब जो है हाथ का अंगूठा, हाथ का अंगूठा अक्सर हम लगाते होते हैं स्टाम्प पेपर के ऊपर भी, थंब हाथ का अंगूठा। ओके यस सर। अच्छा, एक रह गया आपका, अब हमारे पास जो है ये जो है हमारी आंखें, आईज, आईज हैं आंखें, बाकी पढ़ बड़ी से कल कंप्लीट कर लेंगे सारे, आईज आंखें। यस सर, टोटल आपके 15 वर्ड्स हो गए आपके, इनको जरा आपने हैंडल एज यूजुअल आपने 3 टाइम्स करके मुझे भेजना है होमवर्क, इसको भी याद अभी हम प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी ताकि आपको याद हो जाए। यस सर, हाँ जी, आप जवाब मुझे बताएं, शुरू करते हैं आपसे जवाब से, जवाब ये बताएं शुरू से, बाल देख के बच्चे बताएं, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, बाल क्या बोलेंगे, बाल की क्या इंग्लिश है, हेयर, हेयर जी, आप बताएं सर की इंग्लिश शोएब, हेड सर, हेड है जी, हेड, जिल्द या खाल, जवाब स्किन, स्किन, स्किन है, ठीक है जी, गर्दन शोएब, थ्रोट सर, नो, जवाब नेक सर, नेक, नेक सर, नेक, गर्दन नेक है एनईसी के जी, जवाब गला, 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 थ्रोट, थ्रोट, THROAT जी, इसके बाद है आप कोई बता दे, सीना या छाती, चेस्ट, चेस्ट सर, चेस्ट, और फिर है आगे पेट, बेली सर, बेली, 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 कांधा, शोल्डर, शोल्डर, बाजू, आर्म, आर्म है, ठीक है, और इसके बाद बताएं उंगलियां, फिंगर्स, फिंगर्स, हाथ का अंगूठा, थंब, 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 आंखें, यस सर, आईज, आईज, आंखें, आईज, हस्बे मामूल, हस्बे मामूल, एज यूजुअली सर, एज यूजुअली, एज यूजुअल, एज यूजुअल, एज यूजुअल, जी जी, ये क्लास हमारी खत्म हो जाएगी अभी, क्योंकि आप क्लास में कम्प्लीट होगी 40 मिनट, जब ये सेशन खत्म होगा ना आपका थोड़ी सी क्लास, ठीक है, 40 मिनट्स की जो है ना। अच्छा, तो अगर वो होता तो हम आपको आगे ले जाते, क्योंकि ये पहले जो ना एक ब्रेक आता है सिस्टम को, जब क्लास हो जाए फिर उसको ब्रेक कर लेते हैं हम, अगर हो क्लास तो मैं कंटिन्यू कर रखते हैं आगे 20 मिनट, आगे घंटी क्लास की हुआ करके ऑफलाइन जब आएंगे आप यहाँ पे आप अकेडमी, तो क्योंकि क्लास भी कंप्लीट हो जाएगी अभी हमारी, इसके बाद कितने वर्ड रह गए अभी आपके,
सर एक कलाई रहती है रिस्ट नहीं कलाई तो मैंने कहा अब नहीं कराया भी आपको ना आज कलाई रिस्ट करवाया ना सर कलाई कराया आपको रिस्ट यस करवाया ना सर अभी डब्ल्यू आर आई एस टी लिखा था मैंने यस सर अभी लिखा डब्ल्यू आर आई एस टी रिस्ट कलाई और कौन सा रह गया सर लिखा और कौन सा है और हो गई है सर सॉरी और कंप्लीट हो गए ना वो कल यस सर और कंप्लीट हो गए जो रह गए हमारे वो कल कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह ठीक है ना इसको आपने हजम भी करना है इनको ना अच्छा आप मुझे जवाब पूरे सुनाए आप मुझे 15 के 15 वर्ड फिर शुएब सुनाएगा ये सिर्फ इंग्लिश में आप करें इसको इंग्लिश में सुनाए एज यूजुअल ड्राई फ्रूट फ्रूट हेयर एज यूजुअल एज यूजुअल एज यूजुअल ड्राई फ्रूट हायर हेयर हेड स्किन neck, throat, shoulder, chest, belly, breast, wrist, finger, thumb, eyes. ठीक है जी आप सुनाए शुएब बताएं. As usual, dry fruit, hair, head, skin, ear, neck, throat, shoulder, chest. Belly, arm, wrist, fingers, thumb, eyes. Thumb, eyes. चलें मैं आप पढ़ता हूँ देखें इसको ठीक है इस तरह आपका जो है पैटर्न अच्छी हो जाएगी तो फिर आप इसमें सीख जाते हैं बोलने इंग्लिश किस तरह बोलनी है yes, शुरू से बोलता हूँ आप सुनते जाएं इसको as usual, okay? As usual. Yes. Dry fruit. Hair. Head, skin, neck, throat, chest, shoulder, belly, fingers, thumb, wrist, eyes, arms, yes, sir. arm, यही है ना? Yes. Sir. बाजू. हाँ, मिसिंग तो नहीं हुई ना कोई? एक मिस आपने डाल दिया मुझे yes, sir, है ना इनको अपनी कॉमन लाइफ में यूज किया करें वोकैबुलरी को मैंने वो आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स दैट यू हैव टू यूज वोकैबुलरी इन योर कॉमन लाइफ इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर यू मेक इट योर हैबिट नाउ इफ यू हैव टू यूज वोकैबुलरी देन यू हैव टू मेक योर हैबिट एंड यू कैन इंप्रूव योर एक्सेंट प्रोनंसिएशन एंड इट इज ऑल्सो योर प्रैक्टिस आई एम मच होपफुल दैट यू विल फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस यू विल फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू And you heard about many times practice makes a man perfect. So how many words of vocabulary we have completed? Can you tell me now, anyone? Sir, one question. Approximately. Raise spelling, sir. Kiske? Raise Bazu. Raise. Bazu ki English? Arm. A-R-M. Yes. Arm. A-R-M. आर्म अच्छा एआरएम तो कितने वर्ड आपके हो गए अभी तक कबीर के मैं ये पूछा था आपसे ये अभी तक हो गए हैं सर अभी तो गिनती करनी पड़ेंगे सर तकरीबन सर दो सर कल बता देंगे अभी गिन कितने हो गए अब 200 हो गए होंगे 250 तक पहुंच गए होंगे 300 हो गए इसलिए मैं कह रहा था कि आपको यूज किया है आपको इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको आइडिया कितने हो चुके हैं तो आपने यूज़ किया या फिर यूज़ इन योर कन्वर्सेशन याद बहुत ज़्यादा हो गई तो मसला हो जाएगा आपके लिए शुरू से आप स्मार्ट करना शुरू करेंगे तो देन यू हैव टू फील कंफर्टेबल right,